Viewers, welcome to the world of Be Grammarian. Today, I am going to provide you something new and unique. New because in a single video, you are going to learn all those five kinds of sentences. You know very well that words play a vital role for the development of the sentence pattern. It is also known to you that words are divided into 8 parts, popularly known as parts of a speech. By the help of those 8 kinds of words, we can frame 5 kinds of sentences that is going to be used by all of us in our speaking and writing. आज की इस वीडियो में आपको एक ही बार, एक ही समय में, एक ही वीडियो में मैं 5 सेंटेंस को आपको दिखाने जा रहा हूं। सेंटेंस वह है जिसे हम अपने जीवन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या तो लिखते हैं या तो बोलते हैं। पूर्व के वीडियोस में आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स का अध्ययन किया जिसे हम टेंस नामक चैप्टर में सीखे, साथ ही साथ आपने मॉडल्स का भी अध्ययन कर लिया है जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं क्षेत्र के अनुसार, एरिया के अनुसार। ध्यान देने की जरूरत यह है कि ये सेंटेंस जो 5 प्रकार के होते हैं, जिसे हम असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता, आपको आनंद आएगा, रिवीजन भी आपकी होगी और एक ही पीरियड में, एक ही वीडियो में आज आप 5 प्रकार के सेंटेंस को देख सकेंगे। अंग्रेजी की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, वी द पीपल ओनली यूजेस 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर इज नो 6th, एंड दीज 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड बाय द हेल्प ऑफ वर्ड्स नोन एज पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। इट इज नोन टू यू ऑल्सो। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्विच ओवर द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का क्या काम है, मैं प्रत्येक सेंटेंस का काम भी आपको बताता चलूंगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। असर्टिव सेंटेंस का काम है मन की भावनाओं को व्यक्त करना। हम जो भी अपनी भावना को, सेंटीमेंट्स को व्यक्त करना चाहते हैं, उसे हम असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या काम होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी सिर्फ एक काम है, प्रश्न को पूछना। अगर हम इंपरेटिव की बात करें कि इंपरेटिव सेंटेंस का क्या काम होगा, तो इंपरेटिव सेंटेंस का काम है ऑर्डर देना, एडवाइस करना, रिक्वेस्ट करना। यानी किसी को ऑर्डर देना हो, एडवाइस करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या कार्य है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का कार्य है मानवीय इच्छाओं को व्यक्त करना, और मानवीय इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए, आपको बेहतर ढंग से समझने के लिए, हम विश, ब्लेस और कर्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं। विश यानी किसी को विश करना, ब्लेस यानी किसी को आशीर्वाद देना, और कर्स यानी किसी को श्राप देना हो तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। और अंतिम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के द्वारा हम सर्टेन फीलिंग्स को दिखाने का काम करते हैं।
मन में उठने वाली अचानक भावनाओं को अभिव्यक्त करने का जिम्मेवारी जिस सेंटेंस को दिया गया है उसे हम एक्सक्लामेटरी के नाम से जानते हैं। यदि हमें प्रश्न पूछना है तो कौन सा सेंटेंस प्रयोग करेंगे? उत्तर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर प्रश्न का उत्तर देना है तो हमें कौन सा सेंटेंस प्रयोग करना होगा? उत्तर होगा असर्टिव सेंटेंस। यदि किसी को एडवाइस करना हो, ऑर्डर करना हो, तो हम कौन सा सेंटेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तर होगा इंपरेटिव सेंटेंस। अगर किसी को विश करना हो, ब्लेस करना हो या कर्स करना हो तो कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और यदि सडन फीलिंग्स को बदलाना हो तो हम कौन सा सेंटेंस प्रयोग करेंगे? उत्तर होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये पांच प्रकार के सेंटेंसेस यदि आपने जेहन में रख लिया तो स्थिति और परिस्थिति के अनुसार आप हर जगह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाएंगे नहीं। ये पैटर्न कैसे चलता है? बोर्ड पर सामने है असर्टिव सेंटेंस। यह असर्टिव सेंटेंस बनता कैसे है? असर्टिव सेंटेंस के द्वारा हम उत्तर देने का काम करते हैं। इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। यह बनता कैसे है? तो इसका बनने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद भाव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। यानी जिस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो जाए निश्चित रूप से वह असर्टिव सेंटेंस है। यह बताने में, फिर से रिवाइज कराने में कोई गुरेज नहीं कि असर्टिव की दो बहनें हैं। एक को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे को जाना जाता है निगेटिव सेंटेंस के नाम से, जो आप पूर्व के वीडियोस में अनेकों बार हमसे सुना है। यह असर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ये सारी चीजें ऑलरेडी सिखा चुका हूं, आज की इस पीरियड में रिविजन भी होगा और एक ही वीडियो में आप पांचों सेंटेंस के प्रारूप को समझ ही नहीं सकेंगे, बल्कि आप इसे कुशलतापूर्वक लिख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। वर्ड्स आर द व्हील ऑफ थॉट। यू हैव टू पे ए स्पेशल अटेंशन अपॉन द वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 8 पार्ट्स। द लर्नर हैज टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स। एक सीखने वाले व्यक्ति को यह चाहिए कि वह शब्दों को पहचाने। अगर आप किसी चीज को पहचान लेते हैं तो निसंदेह आप सीख लेते हैं। किसी चीज को पहचानना ही सीखना कहलाता है। यदि आपने वर्ब को पहचान लिया, नाउन को पहचान लिया, प्रोनाउन को पहचान लिया, एडवर्ब को पहचान लिया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी अंग्रेजी भाषा के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगी। पहचानना सीखिए। मैं कुछ बातों को लिख रहा हूं, आपकी पहचान में आएगा। यह असर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है? तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, यानी प्रत्येक असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है। और यह किसके सहारे आता है? तो यह आता है पहला इज, एम, आर, was, where, has, have, had, has been, have been, had been, do, does and did। किस नाम से जाना जाता है ये? तो ये जाना जाता है ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से। अगर इसकी संख्या को गिना जाए तो यह 14 है, आप इसे चाहे तो गिन सकते हैं। और दूसरा बनता है विल, वुड, शैल, शुड, can, could, may,
माइट मस्ट यूज टू आउट टू नीड नॉट एंड डेयर नॉट, इन्हें जाना जाता है मॉडल भाव के नाम से। और इन दोनों चीजों में क्या समानता है और क्या असमानता है आपको पता है? दोनों एक समान है क्योंकि दोनों का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद होता है, यह समानता है। दोनों एक समान है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में दोनों का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, यह समानता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट व्हेयर एज मॉडल वर्ब्स आर इंडिपेंडेंट। It is not going to be controlled by the subject. With auxiliary verb, we can form different forms of the main verb. But with modal verb, we can use only verb first form. You have seen already with many examples in the previous videos. अगर इनकी संख्या को देखा जाए तो ये 14 है और इनकी संख्या को देखा जाए तो ये 13 है। 14 और 13 मिलकर होते हैं 27 और 27 का प्रयोग आपने सीख लिया तो आपसे कभी भूल से भी गलती नहीं होगी असर्टिव सेंटेंस को फ्रेम करने में। जानने की सिर्फ जरूरत है कि हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो क्या अर्थ होगा। आपको पता है इज आर एम जब भी सेंटेंस में आएगा तो अपने साथ भर्ब का फोर्थ फॉर्म लेगा। अगर हैज हैव और हैड आएगा तो आपको पता है कि वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। इसे आपको मस्तिष्क में रखनी होगी। और यदि आप शुड या वुड का प्रयोग करते हैं या कैन कुड का प्रयोग करते हैं या मे माइट का प्रयोग करते हैं एरिया के अनुसार तो निसंदेह वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यानी बाय द हेल्प ऑफ दीज 27 वी कैन फ्रेम असर्टिव सेंटेंसेस टू गिव द आंसर। बातचीत में जब भी जरूरत पड़ती है तो दो व्यक्ति का होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अकेले बात नहीं कर सकता। अगर वो अकेले बात कर रहा है तो निसंदेह पागल है। बातचीत करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी होता। एक प्रश्न पूछता है और दूसरा उत्तर देता है, फिर दूसरा प्रश्न पूछता है पहला उत्तर देता है। और यदि यह प्रक्रिया आधा घंटा चलती रही तो हम लोग कह सकते हैं सहज रूप में कि दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए आपको विशेष मस्तिष्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने प्रश्न पूछा उसका टेंस को दिमाग में रखें, जिस टेंस में सवाल पूछा गया उसी टेंस में जवाब हाजिर हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, तुरंत दिमाग ने कहा। आर का प्रयोग किया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आंसर तुरंत रेडी है। आई एम गोइंग टू मार्केट। व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक, विल से पता चला कि ये टेंस फ्यूचर में पूछा जा रहा है। हम आंसर फ्यूचर में देंगे, आई विल रिटर्न योर बुक डे आफ्टर टुमारो। जेंटलमैन, अगर आपने सहायक क्रिया को और मॉडल्स को मस्तिष्क में अच्छी तरीके से रख लिया है और इनके साथ होने वाले वर्ब के फॉर्म्स को भी मस्तिष्क में बैठा रखा है तो बातचीत करना सहज होगा, आसान होगा। सिर्फ अपनी मन के अंदर की हिचकिचाहट को मारिए और एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर आप बन सकते हैं। मैं बात कर रहा था असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस इन्हीं के सहारे बनते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू बुक, क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है, असर्टिव है, इसी 27 से ही बनेगा असर्टिव, 28वां कभी आएगा नहीं। और जिन छात्रों ने इस 27 को आराम से पचा लिया है, आराम से डाइजेस्ट कर लिया है, पहचान लिया है, मस्तिष्क में रख लिया है, उनको असर्टिव सेंटेंस बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी।
अंग्रेजी बहुत सहज और बहुत आसान है। अगर आप कहते हैं आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू इन द हॉस्पिटल, मैं आपकी सहायता अस्पताल में कर सकता हूं, असर्टिव है। आप ये कह सकते हैं ही वॉज नॉट ओबेइंग मी, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। बाय द हेल्प ऑफ दिस 27 यू कैन फ्रेम एज मच सेंटेंसेस एज यू कैन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। असर्टिव सेंटेंस को डेवलप करने के लिए सिर्फ इनका प्रयोग आपको मस्तिष्क में रखना होगा। अगर आप इतना को रखते हैं तो आपका टोटल एक्टिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाता है। और ये सारी की सारी चीजें मैं पूर्व की वीडियोज में सिखा चुका हूं। अगर मैं बात करूं आपसे दूसरे सेंटेंस के बारे में जिसे हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिर्फ एकमात्र काम है, सिर्फ एक काम करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न को पूछने का काम हम इसी वाक्य से करते हैं। और अंग्रेजी की दुनिया में प्रश्न पूछने का जो प्रकार है, जितने तरीके से हम प्रश्न को पूछ सकते हैं वो हम मात्र चार है, पांचवा तरीका आपके पास कभी भी नहीं आएगा। सिर्फ चार तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं जब आप इसे देखेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे तो आपको लगेगा जो बातें मैंने असर्टिव में करी थी लगभग लगभग मिलता जुलता इंट्रोगेटिव में भी है। वो चार तरीका कौन कौन सा है? तो सबसे पहला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। और वो ऑक्सिलरी कौन कौन सा है? तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, इटीसी। आप जानते हैं इसे, पहचानते हैं इसे, इन्हें हम एक नाम देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं और इन्हें एक नाम देते हैं यस नो क्वेश्चन। जो भी सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा जाहिर सी बात है कि वह इंट्रोगेटिव होगा। और इंट्रोगेटिव होने के कारण क्योंकि ऑक्सिलरी से शुरू हुआ है उसका नाम हम लोग यस नो क्वेश्चन देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब से बने हुए प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर हम हां या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। यही कारण है कि इनके द्वारा बने गए प्रश्नों को हम यस नो क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। जैसे आर यू इल? नो। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? यस। आप महसूस कर रहे होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब के सहारे जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा उसका उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं, इसलिए इन्हें हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा तरीका क्वेश्चन बनाने का क्या है? दूसरा तरीका है कि हम लाते हैं व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाट, विच, इटीसी। इनको भी एक नाम दे दिया गया समझने के लिए, सीखने के लिए। इन्हें कहा जाता है WH क्वेश्चन। सवाल यह उठता कि WH क्वेश्चन क्यों कहा जाता? WH क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक शब्द का शुरुआती अक्षर WH है, हाउ को छोड़कर। क्योंकि प्रत्येक शब्द का शुरुआत का अक्षर WH है इसलिए इनको WH के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? तीसरा क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि हम सब्जेक्ट से पहले ला देंगे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट,
used to, ought to, need not and dare not. आपको पता है कि इन्हें हम मॉडल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मॉडल्स हैं. और जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आएंगे और प्रश्न का निर्माण करेंगे तो जाहिर सी बात है हम ऐसे बने हुए क्वेश्चन को कह सकते हैं मॉडल क्वेश्चन. ये तीसरा तरीका है. और चौथा और अंतिम तरीका है कि हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं डू को, डज को और डिड को. आप इससे परिचित हुए हैं. ये क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि सेंटेंस में इनका कोई अर्थ नहीं होता. ये सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. सेंटेंस में इन शब्दों का कोई अर्थ ना होने के कारण ही हम इसे कहते हैं डमी क्वेश्चन. ये चार तरीके हैं क्वेश्चन बनाने का पूरी अंग्रेजी की दुनिया में. पांचवा तरीका आप ढूंढते रहेंगे, आपको नहीं मिलेगा. और इन सारे चारों प्रकार से आप बिल्कुल परिचित हैं. अगर इनको सेंटेंस से पहले ला दिए तो निश्चित रूप से वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा. करके देखते हैं. सबसे पहले ऊपर वाले को करके देख लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आर यू हेल्पिंग हिम? कोई और भी सेंटेंस बना सकते हैं. हैव यू परचेज्ड ए पेन? वेरी सिंपल. अगर आप वॉइस से प्रयोग करें, क्वेयर का प्रयोग करें, डब्ल्यू एच को प्रयोग करें, इससे भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. व्हेन डिड यू बाय दिस गिफ्ट? आप वेयर का प्रयोग कर सकते हैं. वेयर आर यू गोइंग? ध्यान ये रखना है इन डब्ल्यू एच वाले ग्रुप में इस हु के साथ. ये हु थोड़ा सा स्पेशल है. हम सारे डब्ल्यू एच ग्रुप के साथ डू, डज, डिड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हु के साथ नहीं. हु कभी भी डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं लेता है. ध्यान में यह रखना होगा कि हु के सहारे यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाया जा रहा है तो हम डू, डज या डिड का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप यह नहीं कह सकते हैं कि हु डिड किल रावणा. आपको कहना चाहिए हु किल्ड रावणा. अगर आप मॉडल से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, मॉडल को सब्जेक्ट से पहले ला दें, जैसे कैन ही कट द ट्री. अगर आप डू, डज, डिड से बनाना चाहते हैं तो आपको पता है, जैसे डिड ही सपोर्ट यू इन दिस वर्क? Does the noise disturb you? You can see in the world of English and particularly in interrogative sentence, we have only four methods. The first one is known as yes-no question. The second one is known as WH question. The third one is known as modal question and the last one is known as dummy question. And by the help of these four kinds of methods, you can frame as many sentences of interrogative as you can. But when you want to answer them, you have to use assertive sentence. Yani interrogative sentence ka ekmatr karj hai prashn ko puchna. जबकि असर्टिव का एकमात्र कार्य है पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल.
what's the assertive sentence and interrogative sentence and how it is going to be formed. The third one is known as imperative sentence. Imperative sentence. जैसा कि मैंने आपको बताया, assertive sentence में हम मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, interrogative sentence के द्वारा हम प्रश्न को पूछने का काम करते हैं, तो imperative के द्वारा हम कौन सा काम करते हैं? Imperative के द्वारा हम order दिखलाने का काम करते हैं, हम इसी के द्वारा advice भी करते हैं और इसी के द्वारा हम रिक्वेस्ट भी करते हैं. बड़ा आनंददायक होगा इसे सीखना और आप बड़ा आनंद महसूस करेंगे कि इट्स सो वेरी इजी. अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस फॉर्म नहीं करने आता, जैसे इसको सीखने के क्रम में हम लोग सीख सकेंगे, जैसे किसी ने कहा बक्सा खोलो, मैं बहुत सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं ताकि आपको समझाना हमारे लिए आसान हो. अगर ये कहते हैं बक्सा खोलो, तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि समवन इज जस्ट गिविंग अस ऑर्डर, कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, आदेश कर रहा है. बक्सा खोलो, यही आप कहते हैं बच्चों से प्रेम करो, या आप कहते हैं दीवार पर मत थूको, या आप कहते हैं कृपया अपना कलम दें. ये सारे वाक्य इंपरेटिव ही है, लेकिन इसके पहले कि इसको लिखना हम लोग सीखें, कुछ स्टेप्स को दिमाग में रखते हैं. अगर आपने इस स्टेप्स को दिमाग में रखा तो जीवन भर आपसे गलती नहीं होगी. जरा गौर से देखें, अगर हम बक्सा खोलो के जगह बक्सा खोलिए कर दें तो क्या कोई अर्थ में अंतर आ जाएगा? करो के जगह अगर कीजिए करते हैं तो क्या अंतर आता है? थूको के जगह थूकिए कर दें तो क्या अंतर आएगा? कलम दे के जगह दीजिए कर दें तो क्या कोई अंतर आएगा? उत्तर मिलता है कोई अंतर नहीं आएगा. ये बस सेंस ऑफ रेस्पेक्ट है और हिंदी है. अगर हम किसी को बोलते हैं बक्सा खोलो तो सामने दिखाई पड़ता है कि वह हमसे उम्र में छोटा है, लेकिन अगर वह उम्र में हमसे बड़ा है तो हम बोलते हैं बक्सा खोलिए. बच्चों से प्रेम करो, सेंस ऑफ रेस्पेक्ट है, उम्र में छोटा है करो बोल सकते हैं, लेकिन अगर उम्र में बड़े व्यक्ति से हमें कहना हो तो हमें कहना पड़ेगा बच्चों से प्रेम कीजिए. यह हिंदी है. इंग्लिश में सेंस ऑफ रेस्पेक्ट थोड़ी सी लुप्त हो जाती है. अब इन वाक्यों को इसके पहले कि अंग्रेजी में कन्वर्ट करें, एक हल्का सा टिप्स देता हूं आपको. इन सारे सेंटेंस को आप बदल दें प्रेजेंट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना आपके लिए आसान होगा, आप सीख चुके हैं. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलकर उसके पहले तुम जोड़ दीजिए. मैं फिर से बताना चाहूंगा, आप इसे कन्वर्ट करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और उसके पहले तुम को जोड़ दें तो सेंटेंस क्या बनेगी? सेंटेंस यह हो जाएगा बक्सा खोलोगा, तुम बक्सा खोलते हो. कितना सहज है प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलना. आप जो भी सेंटेंस सोचते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलें, आनंद आएगा, सीखना आसान होगा. बच्चों से प्रेम करो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम बच्चों से प्रेम करते हो. दीवार पर मत थूको, यहां पर हिंदी का शब्द है मत. मत इज इक्विवेलेंट टू नहीं. तुम दीवार पर नहीं थूकते हो, ऐसा कर देना होगा. इट मींस सेंटेंस हो जाएगी तुम दीवार पर नहीं थूकते हो. कृपया अपना कलम दो,
जब इसे प्रेजेंट इंडिफिनिटिव बदलेंगे तो तुम कृपया अपना कलम देते हो। इन सारे हिंदी के इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने बदल दिया प्रेजेंट इन डेफिनिट में, और जब प्रेजेंट इन डेफिनिट में बदल गया तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? तुम बक्सा खोलते हो, तुम बक्सा खोलते हो, इट मींस यू ओपन द बॉक्स। गौर करेंगे, तुम बच्चों से प्रेम करते हो, यू लव द चिल्ड्रन। तुम दीवार पर नहीं थूकते हो, यू डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल। तुम कृपया अपना कलम देते हो, यू प्लीज गिव मी योर पेन। अगर मैं आपसे पूछूं ये सारे अंग्रेजी के जो सेंटेंस हैं वो कैसे हैं, आप बोलेंगे सर ये तो असर्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। अब इसे एक झटके में हम लोग इंपरेटिव में बदल सकते हैं, मेरा भाव समझने का प्रयास कीजिएगा। एक झटके में कैसे? आप सारे यू को काट दें, जितना यू को आपने लिखा है उसको हटा दें, और जैसे ही आप यू को हटाएंगे वह आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बोल कर देखें, बक्सा खोलो, ओपन द बॉक्स, बच्चों से प्रेम करो, लव द चिल्ड्रन, दीवार पर मत थूको, डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल, कृपया अपना कलम दो, प्लीज गिव मी योर पेन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक। जब भी आपका मस्तिष्क फंसता हो आप अपने इंपरेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफिनिट में बदल दें, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें और यू को हटा दें, आपका सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा और आपसे गलती से भी गलती नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस का बनावट क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का बनावट होता है, शुरुआत ही होती है मेन वर्ब से और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी सब। इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, और अगर सब्जेक्ट कोई होता है तो वह होता है सेकेंड पर्सन यू, और यू हमेशा छिपा रहता है, वह कभी सामने नहीं आता। क्योंकि जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं तो निश्चित रूप से यह खाली कमरे में नहीं बोला जा सकता, यह जब भी बोला जा सकता है तो व्यक्ति का सामने होना जरूरी है, और जो व्यक्ति सामने होगा वह सेकंड पर्सन ही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यह किस किस एरिया में, किस किस क्षेत्र में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसका बनावट क्या होता है, और इसको संक्षिप्त तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। आई थिंक दिस थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस पैटर्न इज हेल्पफुल टू फ्रेम न्यू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योर ओन इमेजिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे सेंटेंस की तरफ। चौथा सेंटेंस को हम लोग जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी यह मानवीय इच्छाओं को दिखलाने वाला सेंटेंस है, और इसका अध्ययन आपने कैन और मे वाली वीडियो में किया है। मानवीय इच्छाओं को जो हम व्यक्त करते हैं, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आदमी के पास इच्छाएं होती हैं तो कितने प्रकार की होती हैं, तो आपका उत्तर होगा सर एक दो नहीं अनंत हैं। लेकिन सीखने के ख्याल से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को तीन भागों में बांट देते। पहला को हम लोग कहते हैं विश, दूसरा जाना जाता है ब्लेस के नाम से, और तीसरे को कहते हैं कर्स। इस ऑप्टेटिव सेंटेंस की बनावट कैसे होती है, पैटर्न क्या होता है? पैटर्न बड़ा सिंपल है, यह शुरुआत होता है मे से, उसके बाद सब्जेक्ट वी वन, ऑब्जेक्ट
अदर वर्ड्स और लास्ट में ये चिन्ह बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा करने की आदत आपकी बन गई, ऐसा लिखने की आदत आपकी बन गई, तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीट। ठीक इसी तरह से, कहीं आपसे मिस्टेक ना हो, भूल ना हो, मैं पुनः एक बार फिर स्पष्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी। आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस का पैटर्न एक है, लेकिन एक मामूली सा अंतर है, और वह अंतर जबरदस्त है। अंतर किस बात की है? इस वाक्य में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आया तो इस वाक्य में नोट ऑफ इंट्रोगेशन आया। इसका मतलब हुआ कि यह सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव के नाम से जानते हैं, जबकि नीचे वाले को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम है प्रश्न को पूछना, जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस का काम है इच्छाओं को व्यक्त करना। आपने किसी का पैर छुआ, सम्मान दिया, रेस्पेक्ट दिया, पैर को छूकर, जाहिर सी बात है वो आदमी आपको ब्लेस करेगा, आशीर्वाद देगा। जैसे भगवान तुम्हें बीमारियों से बचाए, गौर करेंगे इसमें सत्ता नहीं आएगा, बचाए, ऐसा आशीर्वाद मिल रहा। भगवान तुम्हें बीमारियों से बचाए, पैटर्न को पकड़े, मे गॉड सेव यू फ्रॉम डिजीजेस। अगर हम किसी को कर्ज करते हैं, जैसे तुम जल्दी मर जाओ, जाहिर सी बात है इस वाक्य में साफ साफ दिख रहा है कि हम किसी के मरने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, कर्ज है एक प्रकार से। हम ऐसा कह सकते हैं, मे यू डाई सून। अगर आप किसी को कहते हैं तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, विश कर रहे हैं आप अपने दोस्त को, यदि आप अपने दोस्त को विश कर रहे हैं और यह कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा सफल हो, जैसे तुम्हारी यात्रा सफल हो, आपने अपने दोस्त को विश किया, इट मीन्स मे योर जर्नी बी सक्सेसफुल। कितना इजी है इन सारी चीजों को समझना। असर्टिव सेंटेंस मन की भावनाओं को व्यक्त करता है, और मन को मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारे पास 14 ऑक्सिलरी और 13 मॉडल्स हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने का काम करता है, और प्रश्न को बनाने का सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी की दुनिया में मात्र 4 रास्ते हैं, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन एंड डमी वन। अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं, जिसके द्वारा आप एडवाइस कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? शुरुआत ही होता है मेन वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। मेन वर्ब के पहले सेकेंड पर्सन यू हमेशा छिपा रहता है। यदि आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो यह ऑप्टेटिव सेंटेंस मानवीय इच्छाओं को दिखलाने का काम करता, और यह 3 भागों में सीखने और समझने के लिए है, विश, ब्लेस एंड कर्स, और इसकी शुरुआत होती है मे से और अंत होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। कंफ्यूजन ना हो, इस चिन्ह को दिमाग में रखना जरूरी होगा। यदि आपने गलती से नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया, तो वह सेंटेंस विश, ब्लेस और कर्स को नहीं दिखलाएगा, बल्कि वह सेंटेंस प्रश्न को दिखलाएगा। और अंतिम अंग्रेजी की दुनिया का जो सेंटेंस का प्रकार है, उसे हम लोग जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, गौर करेंगे,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये एडजेक्टिव है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है, इसको अगर वर्ब के रूप में हम करें तो ये हो जाता है एक्सक्लेम। एक्सक्लेम वर्ब है और इसका अर्थ होता है चिल्लाकर कहना, अचानक कहना। बड़ी ही सुंदर चैप्टर है ये, बड़ी ही सुंदर सेंटेंस इससे बनता है। मानवीय मानव जीवन में इसका प्रयोग खूब किया जाता है। ये कैसे बनता है? इसके बनाने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका तो है कि हम इंटरजेक्शन के कुछ वर्ड्स को ले लेते हैं। इंटरजेक्शन में जो वर्ड्स हैं वो हमारी भावनाओं को दिखलाने का काम करता। जैसे अगर आप कहते हैं आह, तो जाहिर सी बात है ये सौरव को दिखलाता है। यदि आप कहते हैं अल्लास, तो यह भी आपको सौरव को दिखलाता है। जैसे ही आप कहते हैं हिप हिप हुर्रा, तो यह दिखलाने का काम करता है डिलाइट को। डिलाइट मींस आनंद, आनंद को दिखलाता है ये, खुशी को दिखलाता है ये। अगर आप कहते हैं ब्रैवो, शाबाश जिसको कहते हैं ब्रैवो, आप इस शब्द के द्वारा प्रशंसा को दिखला रहे हैं, अप्लाउज कर रहे हैं। यदि आप कहते हैं फाई, तो इसके द्वारा आप हाइड्रेटनेस को दिखला रहे हैं, घृणा को दिखला रहे हैं। ऐसे अंग्रेजी में अनेकों शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग करने मात्र से ही हमारी भावनाएं दिखने लगती है। चाहे वो आश्चर्य का भाव हो, चाहे वो खुशी का भाव हो, चाहे वो गम का भाव हो, हम इन शब्दों के द्वारा, इस इंटरजेक्शन के शब्दों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह पहला तरीका है। ध्यान यह रखना है आपको कि अगर इन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं तो इन शब्दों के प्रयोग के बाद, यानी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जहां पड़ेगा उसके बाद आपको असर्टिव सेंटेंस ही यूज करना है। यदि आपने इंटरजेक्शन के शब्दों का इस्तेमाल किया तो उसके बाद आपका जो सेंटेंस होगा वह असर्टिव ही होगा। एक तरीका और है जिसको सीखना आसान होगा, गौर करेंगे इसे भी आप बड़ा आनंदित महसूस करेंगे। मैं पहले असर्टिव सेंटेंस को लिख रहा हूं। एक तरीका तो आपके जहन में मैं यहां पे डाल चुका हूं। एक दूसरा तरीका, अगर हम कहते हैं इट इज ए ब्यूटिफुल फ्लावर, या कहते हैं यू आर ए पुलिस मैन, या कहते हैं इट इज अ डार्क नाइट। सीखने के ख्याल से मैंने कुछ सेंटेंस को एग्जाम्पल के रूप में लिया हूं। इसमें अगर गौर से देखा जाए तो दो हिस्सा में हम इसको बांटने जा रहे हैं, एक सहायक क्रिया के पहले वाला हिस्सा और एक सहायक क्रिया के बाद वाला हिस्सा। अगर सहायक क्रिया के पहले वाले हिस्सों को देखें तो यह है, दूसरे सेंटेंस में यह है और तीसरे सेंटेंस में यह है। और इसका दूसरा हिस्सा है ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ए फुलिश मैन, ए डार्क नाइट। गौर करेंगे, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप बोलना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप दो शब्दों को चुनें, एक व्हाट और दूसरा हाउ, और आनंद लें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को तेज गति से बोलने का। ये दो शब्द को याद रखेंगे, व्हाट और हाउ। अगर व्हाट कहते हैं तो यह अर्थ देता है कितना, ये कितना का अर्थ देगा, क्या का अर्थ नहीं देगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और अगर हाउ कहते हैं तो यह अर्थ देगा कैसा। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कहां पर अपनी बोलने और लिखने के क्रम में कितना और कैसा का प्रयोग करते हैं। आपको बड़ा सहज महसूस होगा। ये व्हाट और हाउ के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका एक नंबर, ये दो नंबर,
ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये एक नंबर और ये दो नंबर। आप व्हाट और हाउ के बाद पहले लिख दें दो नंबर को और उसके बाद कर दें एक नंबर को और लास्ट में आप ये चिन्ह लगा दें, आपका सेंटेंस एक्सक्लामेटरी तैयार हो जाएगा। नथिंग इज डिफिकल्ट। मैं जितनी बातें आज कर रहा हूं आज की पीरियड में, आज की इस वीडियो में, अगर आप गौर से देखेंगे तो एक ही बात में मैंने थोड़ी सी घटाया है या थोड़ा सा जोड़ा है और नए नए सेंटेंस बनना प्रारंभ हो गए। अब इस वाक्य को अगर आप देखते हैं, आपको कहना है इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसका अर्थ होता है कि यह एक सुंदर फूल है। कोई आश्चर्य का भाव नहीं है इसमें, बिल्कुल सेंटेंस साधारण है, असर्टिव है। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक सुंदर फूल है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, जैसे ही आप कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, इसका अर्थ होता है कितना सुंदर फूल है यह, यानी इतना सुंदर फूल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। सरप्राइज है इसमें, आश्चर्य का भाव है। आप कहते हैं यू आर ए फुलिश मैन, तुम एक मूर्ख आदमी हो, साधारण सा सेंटेंस है। तुम एक मूर्ख आदमी हो, साधारण सा सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं व्हाट ए फुलिश मैन यू आर, बोलने का पैटर्न को भी जोरदार बनाना होगा। व्हाट ए फुलिश मैन यू आर, कितना मूर्ख आदमी हो तुम, मतलब ऐसा मूर्ख आदमी मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा। आश्चर्य का भाव है। अगर आप कहते हैं इट इज ए डार्क नाइट, इट इज ए डार्क नाइट, यह एक भयावह रात है, अंधेरे से भरा हुआ रात है। आप कह सकते हैं हाउ ए डार्क नाइट इट इज, कि कैसा भयानक रात है यह। तो यदि आपने असर्टिव सेंटेंस को दो नंबर और एक नंबर करना सीख लिया और उसके पहले व्हाट और हाउ को लगाना सीख लिया, तो प्रतिदिन बातचीत होने वाली भाषाओं में आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकेंगे। अब रही बात उस इंटरजेक्शन वाले को, वो करना बिल्कुल आसान है। जैसे सौरभ को दिखलाना है अलास नोट ऑफ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन अलास ही इज No more. Full stop. Not every time say anything. Alas, he is no more. बड़ी दुख की बात है कि वो अब नहीं रहा। दूसरा सेंटेंस देखें। हुर्रा, we have won the match. Interjection के शब्द जब आएंगे तो लास्ट में सेकेंड वाले पार्ट में असर्टिव सेंटेंस होगा। हुर्रा वी हैव ओन द मैच, खुशी को व्यक्त करते हुए चिल्लाते हुए कहा जा रहा है कि हम लोगों ने मैच को जीत लिया है। अगर इन सारी बातें आपके मस्तिष्क में है, ध्यान में है, तो निश्चित रूप से ये पांचों प्रकार के सेंटेंस को आप प्रतिदिन लिख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। आनंद तब बढ़ जाएगा। इसके पहले कि मैं वीडियो को अंत करूं, एक छोटी सी संदेश देना चाहूंगा। आपका आनंद, आपका मस्ती लिखने और बोलने में बढ़ जाएगा यदि आप जोड़ने का काम करना शुरू कर दें। अंग्रेजी भाषा के आठों शब्दों में एक ही शब्द ऐसा है जो दो वाक्यों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है और उसे हम कंजक्शन के नाम से जानते हैं। कंजक्शन के बहुत सारे वर्ड्स आपके जेहन में होंगे, जैसे एंड, बट, देन, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच, ऐसे अनेकों शब्द हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, अनेकों शब्द हैं कंजक्शन के। यदि आपने कंजक्शन के उन शब्दों को मस्तिष्क में रख लिया है
तो ये छोटे छोटे सेंटेंस नहीं बल्कि छोटे छोटे सेंटेंस को कंजक्शन के बल पर जोड़कर हम लंबे सेंटेंस का निर्माण ही नहीं करेंगे बल्कि लंबे सेंटेंस को हम बोल भी सकेंगे और लिख भी सकेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा है, आप पहला हिस्सा सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखें और दूसरा हिस्सा में 2700 में से कोई इस्तेमाल करें, कभी लाइफ में गलती नहीं होगी अर्थ के अनुसार और भाव के अनुसार। ध्यान रखेंगे पहला हिस्सा में प्रेजेंट इंडेफिनिट को रखें और दूसरा हिस्सा में 2700 में से किसी का प्रयोग करें जो आपके लिए जरूरी है, या फिर पहला हिस्सा में फ्यूजन कर दें और दूसरा हिस्सा में दूसरे हिस्से में सेंटेंस को जोड़कर किसी भी टेंस का किसी भी मॉडल्स का प्रयोग करें। आप प्रयास करें, गलती होगी, गलती से ना घबराएं, लिखने और बोलने में मिस्टेक्स आएंगे, मिस्टेक्स को पहचाने जाने और अपनी लिखने और बोलने की स्पीड को डेवलप करें। मैं पुनः आपको यह बताना चाहूंगा कि असर्टिव सेंटेंस आंसर देने के लिए और इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से बनता ही है मात्र 27 से, सिर्फ एक काम प्रश्न का उत्तर देना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिर्फ एक काम प्रश्न को पूछना, बनने का तरीका मात्र 4, पहला यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन, तीसरा मॉडल क्वेश्चन और चौथा डमी क्वेश्चन। तीसरा सेंटेंस इंपरेटिव, जिसके द्वारा हम एडवाइस ऑर्डर और रिक्वेस्ट करने का काम करते हैं, इसकी बनावट होती है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा छिपा हुआ रहता। अगर हम किसी को ब्लेस विस या कर्स करना चाहते हैं तो वह सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसकी शुरुआत में से और इसका अंत नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसको कि हम विस्मयादी बोधक सेंटेंस के नाम से जानते हैं, यह बनने का काम दो तरीके से आज की इस पीरियड में। पहला तरीका इंटरजेक्शन के कुछ शब्द, और इंटरजेक्शन वाले शब्द का जब आप प्रयोग करें तो उसका दूसरा जो सेंटेंस होगा वह असर्टिव होगा। और दूसरा, अगर आप असर्टिव सेंटेंस को बनाते हैं और उसके पहले व्हाट और हाउ लगा देते हैं और फिर सेकेंड वाले हिस्से को पहले लिखते या बोलते हैं और उसके बाद फर्स्ट वाले हिस्से को करते हैं, तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दिस 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यू हैव लर्नड इन अ सिंगल क्लास, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल बोथ। ऑल दोज वीडियोज दैट हैज बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड, यू हैव ऑलरेडी सीन, they will be very very helpful for the development of the sentence pattern. You just see those videos once again and again, again and again till you understand it, and do practice on your copy. After learning a single sentence, you should write more than 10 sentences or 20 sentences according to your own imagination for the better result. With these words, I conclude the video session. Thank you very much.